एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन दोस्तों ने मिलकर हिला दिया था अंग्रेजों को इंडिया में। बिनॉय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता तीनों दोस्त थे। बिनॉय 22 साल का था, बादल 18 का और दिनेश 19 का। तीनों आसपास ही रहते थे और तीनों ही अंग्रेजों के जुल्म सह सह कर बड़े हुए थे, मगर अब इन्हें सांस नहीं आ रही थी। ये अंग्रेजों को डराना चाहते थे और ये समझाना चाहते थे कि इंडियंस कमजोर नहीं है। बस इसीलिए इन्होंने जवानी के जोश में एक कदम उठाया। ये तीनों कोलकाता रहते थे उस समय। वहाँ की राइटर्स बिल्डिंग आज भी खूब फेमस है। इस बिल्डिंग में हमेशा से इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होते आए हैं और इस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सभी जनरल्स जो उस वक्त इंडिया में थे ना, कोलकाता के इसी राइटर्स बिल्डिंग में कॉफी पर आने वाले थे। ये तीनों अंदर जाते ही मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाए गए। ले जाने वाला भी एक इंडियन ही था, तो उसने कुछ भी नहीं चेक किया। मीटिंग शाम को थी और इंस्ट्रक्शंस यही थे कि बहुत से इंग्लिश मैन उस दिन राइटर्स बिल्डिंग में अलग अलग समय पर आएंगे। खास बोला गया था सभी नौकरों को खातिरदारी करने के लिए। इसी बीच सुबह के 11 बजे तीन ऑफिसर्स वहां आ पहुंचे। ये तीनों ऑफिसर्स काफी यंग थे मगर चमक रहे थे। तीनों ने यूरोपियन स्टाइल कपड़े पहने थे, तीनों ही 3-पीस सूट पहन कर आए थे। इनके पास हाथ में एक ब्रीफकेस था और तीनों एक ही गाड़ी से उतरे थे। ये उस जमाने के एम्बेसडर तो नहीं थे, मगर क्योंकि इनका हुलिया ऐसा था इसलिए वॉचमैन ने इन्हें रोका नहीं। तीनों को सलाम ठोकर अंदर जाने दे दिया। बिनॉय ने साइनाइड पिल ले ली जिससे पूरी बॉडी में जहर फैल गया और बाकी दोनों ने खुद को गोली मार ली, मगर वो अपना मकसद पूरा करके चले गए। सभी ब्रिटिशर्स इस हमले के बाद डर गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब हिंदुस्तानी चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी और बढ़ा ली थी। तो दोस्तों, हमें कुछ इस बार ऐसा ही देखने को मिल सकता है फिल्म RRRR में। तो क्या पता इस बार हमें एक ट्रायो नजर आए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।